मुंबई की कांदिवली स्थित निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन स्नेह मिलन समारोह निर्वाण 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूल ने हिस्सा लिया। स्नेह मिलन समारोह के दौरान एग्जीबिशन कॉलेज में लगाए गए, इसके लोगों ने अपने स्टॉल के माध्यम से लोगों की हेल्प मिली। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कार्यक्रम में आयोजक और साथ ही मौजूद लोगों का क्या कहना था, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। जो इसने निर्वाण स्नेह मिलन ने जो आज एक प्लेटफॉर्म लोगों के रखा है, कितना इम्पोर्टेंट है और क्या कहना चाहेंगे इसके? ये जो अभी जो आपने निर्माण का स्नेह सम्मेलन जो रखा है वो मोटिवेशन करने के लिए रखा हुआ है मेरे ख्याल से, तो और ऐसे ही इनकरेज होना चाहिए। मतलब समाज में कुछ ऐसे काम होने चाहिए जिनसे इनकरेज होने चाहिए लोग कि दूसरों के लिए भी अच्छा करो। और ये जो अपने कॉलेज के मैनेजमेंट ने जो पूरा मतलब उनको सपोर्ट किया है, उनसे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। जैसे कि ये डिसेबल पर्सन के लिए रखा हुआ है, तो उनसे ये सारे मोटिवेट होंगे और उनका जो भी प्रोडक्ट है, जो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट जो बनाए हैं, वो मतलब बेचे जाएंगे लोगों में। उनका ये होगा कि ये सारे बच्चे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जब एबल पर्सन कुछ कर सकता है तो डिसेबल पर्सन भी बहुत कुछ कर सकता है। ये मतलब इसका संदेश है यहाँ से। मतलब जो ये जो स्नेह सम्मेलन रखा है, तो उससे सारे लोगों को ऐसे मालूम होगा कि ये जो हैंडीकैप पर्सन है, दिव्यांग लोग हैं, उन्होंने बहुत कुछ मतलब अपने हाथों से बनाया है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल के बच्चों को ये जो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है और क्या लोगों को क्या सीख मिलती रहेगी इससे? इससे मेरे ख्याल से यही सीख मिलना चाहिए कि हमें कभी भी मतलब हार नहीं मानना चाहिए। अपने में जितने भी पोटेंशियल है, जितना भी हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ही करने का सोच लेना चाहिए बच्चों ने। ना कि अभी बहुत सारे बच्चे मतलब अभी का जो जनरेशन मैं देख रहा हूँ, तो बहुत सारे जनरेशन बिगड़ रही है ऐसे मुझे मैं देखा, तो मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि जो अभी का जनरेशन है मतलब स्मोकिंग ड्रिंक्स ये सब बहुत बच्चे लोग उस लाइन पे जा रहे, तो उन्होंने ये सब नहीं करना चाहिए। और ये जो दिव्यांग लोगों ने जैसे अभी इनको पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो कुछ कर रहे हैं, और अभी के जो बच्चे हैं जो पेरेंट्स से पैसा लेके पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये तो उन्होंने ये सब नहीं सीखना चाहिए। उन्होंने कुछ अच्छा करना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सोसाइटी के लिए उन्होंने कुछ अच्छा करना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो बच्चे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, जो अपने बलबूते पे कुछ करते हैं, उनको अपनी टैलेंट और अपनी जो बनाते हैं वो चीज़ें उनको बेचने के लिए एक अच्छा माध्यम बनाया हुआ है। जैसे मेरा बेटा है वरुण सावंत, वो शेफ़ है और उसने ये कुकीज़ बनाई है जिसमें शुगर फ्री और ग्लूटीन ये अपना मैदा फ्री कुकीज़ है। तो हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम ये बेच सकते हैं। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट हैं आज आपके? हमने यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स रखे हैं। एक ओट आलमंड कुकीज़ है, एक जवार कोकोनट क्रंचीज़ है और एक रागी चौको क्रंचीज़ है। इन सारे कुकीज़ में शुगर नहीं है ना मैदा यूज्ड है। इसमें सारी अपने भारत की जो मिलेट्स है उनके बने हुए प्रोडक्ट्स है और उनकी जानकारी भी यहाँ पे दी हुई है। सर, जो आज आपने जो प्लेटफॉर्म रखा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके, कितना इम्पोर्टेंट है जो है आजकल के बच्चों के लिए? अच्छा, हमारा हर साल एक इवेंट होता है इंटर कॉलेजेट फेस्ट, जिसे कहते हैं हम लोग निर्वाण। अब ये निर्वाण में बहुत सारे इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हमको हमेशा कोऑपरेशन तो होता ही है मैनेजमेंट के थ्रू। हमारे निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज जो है, ये जो हमारा मैनेजमेंट है उनसे हमको हेल्प तो मिलता ही है निर्वाण के लिए। लेकिन इस साल हमने एक प्रपोज़ किया था कि स्नेह मिलन रखें, और वो मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, और सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसके लिए बहुत सारा सपोर्ट भी किया है। और हम लोग ग्रैंड लेवल पे ये स्नेह मिलन का प्रमोशन किए। जैसे कि अगर आप देखोगे कि हमने बहुत सारे दूसरे कॉलेजेस को भी इसमें इन्वॉल्व करके रखा है कि वो यहाँ पे आए और जो हमारा स्नेह मिलन के जो प्रोडक्ट्स है वो खरीदे। अब ये कंसेप्ट ऐसा है कि मोर देन सिंपथी वी आर शोइंग एम्पथी।
मतलब सिर्फ उनके प्रति सांत्वना दे के एक चीज़ हो जाती है, लेकिन सांत्वना के साथ अगर हम साथ दें उनको तो बहुत होगा। हम कहीं पे भी उनको अलग नहीं मान रहे हैं, वो हमारे ही है, सब हमारे ही है। जैसे हम हमारा कुछ एबिलिटी दिखाते हैं, कैपेसिटी दिखाते हैं, तो वो भी अपने एक एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाते हैं, बट डिफरेंट वे में। तो यही चीज़ को मोटिवेट करने के लिए ये स्नेह मिलन का हमने कंसेप्ट रखा था, और हम हमारे बच्चों को भी यही इसी उम्र में हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब साथ में हैं और एक दूसरों को सपोर्ट करके आगे बढ़ना है। सर, जो है निर्माण इसने मिलन द्वारा जो है आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? यह हमें अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो हमारे बच्चे जो ये प्रोडक्ट्स बनाते और वो लोगों को जानकारी होने के लिए कुछ न कुछ माध्यम चाहिए, इसलिए ये हमें चांस मिला है कि हमारे यहाँ जो दिव्यांग बच्चे है वो क्या कर सकते। वो आप देख ही रहे, ये प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है, सब एक एक बीड्स ज्वाइन करते हुए ये नेकलेस भी बनाया है, ये तोरण बनाया है, ये बनाने में कितना मेहनत लगता है वो आपको ही शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन और ये भी पेंटिंग भी उन्होंने किया है, लेकिन लोगों तक ये सब उनका एक्टिविटी पहुंचने के लिए कुछ न कुछ चांस चाहिए, लेकिन यहाँ पे आके हमें थोड़ा अच्छा लगा कि सबको मालूम होता है कि हमारा सेरेब्रल पल्सी एसोसिएशन ये भी एक संस्था है, लेकिन 50 इयर्स के ऊपर हो गया, 1968 में वो स्थापित हो गया था। मैं करीबन 23 साल से इस संस्था से जुड़ा हूँ, मैं वहाँ पे टेलिंग का क्लास सिखाता हूँ और प्रिंटिंग का वो भी बच्चों को सिखाता हूँ, और इनोलव्स मेकिंग और फैंसी बैग डेकोरेशन वो भी बच्चे करते हैं, वो हम ट्रेन करते हैं उनको, उसके बाद वो बच्चे बाहर भी सीखने के बाद जाते अपना खुद का ये बिजनेस करते, और किधर कोई कोई सर्विस में लग जाते, ऐसा भी है। के माध्यम से जो है क्या कहना चाहेंगे मैम, किस तरह से आपको अच्छा लगता? आई एम वेरी ग्रेटफुल लाइक गिविंग अ ग्रेट प्लेटफॉर्म सो दैट पीपल नो अबाउट माय प्रोडक्ट, एंड आई एम वेरी अप्रिशिएट ये सब। आप जो है फाउंडेशन जो है किस तरह से आप जुड़े हैं फाउंडेशन? ये जो बना रही है माय डॉटर, शी इज नुसरत, उसका ब्रांड नेम है नुजत इनोवेशन के नाम से। शी इज़ डूइंग फॉर लास्ट 19 ईयर्स एंड शी हैज अंडरगॉन 8 सर्जरीज एंड शी हैड इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस एंड कन्वर्जेंस ऑल्सो। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, शी कैन सिट इन वन प्लेस एंड डू इट। तो अपने आप को बिजी भी रखती हैं और उसको लगता है कि आई एम डूइंग समथिंग, शी इज़ अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो शी गोज टू एग्जीबिशंस, तो वहाँ पीपल आते हैं, लेते हैं, खरीद के जाते हैं। ये काफ़ी लाइक ब्रेसलेट्स है, एंकलेट्स है, टेलीफोन के एक्सेसरीज है और फुल चेन है। ये फाउंडेशन ने एक आइकन बताया है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये अभी जो आज आए, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम बिकॉज उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो अभी कोविड की वजह से 2 साल तक बहुत कुछ था ही नहीं, ऑनलाइन सब हो रहा था, और यहाँ पे आके सब फिजिकली सब एक दूसरे को देखते हैं और पब्लिक है जो बच्चे हैं अप्रिशिएट करते, तो उनको उसको भी अच्छा लगता है कि वो मैं कुछ बना रही, तो सबको अच्छा लगता है। तो शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड माशाल्लाह यहाँ के जो क्राउड है वेरी कोऑपरेटिव, ऐसा लिए नहीं कि हैंडीकैप हुए तो उस नज़रिए से देखते, दैट इज़ व्हाट आई वांट। आई नो बडी शुड लुक डाउन ऑन दैट एज अ हैंडीकैप, उसको प्रोडक्ट के देख के इस्तेमाल करना चाहिए, जस्ट पिटी दे के लेना नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू देख के अप्रिशिएट करके ले लो तो खुशी होती है। बहुत ही अच्छा है ये जो कॉज है, बेसिकली जो हैंडीकैप या स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके लिए आप लोग ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है, और उन्होंने एक्सक्लूसिव मटेरियल्स में से एक्सक्लूसिव चीज़ें बनाई हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इतना सारा शॉपिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें हैं, तो मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ कि ऐसे भी काम होता है अपने यहाँ पर, बहुत अच्छा हो रहा है।